हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी देख सकते हो, सबसे पहले सीनू मेरा बाइक निकाल रहा है घर से, ये रहा। तो गाइस आप सबको पता है कि मैंने अभी नया बाइक लिया हुआ है, बुलेट, जो कि ये रहा। तो इसमें जो है, जो इसमें साइलेंसर लगा हुआ रहता है, जो कि शोरूम से आता है, उस साइलेंसर पे आवाज़ नहीं होता ना सीनू, मज़ा ही नहीं आता, मज़ा ही नहीं आ रहा। थोड़ा इसका अभी साउंड सुना दूँ। अभी देखिए नॉर्मल साउंड है, जैसा जो बाइक में है, ये कुछ इस तरह का साउंड है। ऑफ कर, तो कुछ इस तरह का अभी साउंड है, लेकिन बुलेट का जो एक्चुअल साउंड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? गुड 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 गुड, बेस मारना चाहिए एकदम, ठीक है। तो वो वाला साउंड जो है इसमें ऑलरेडी लगा हुआ नहीं रहता है। तो फिलहाल गाइस हम लोग जा रहे हैं इसी को मॉडिफिकेशन करवाने, इसका साइलेंसर चेंज करवाना है। बाकी फ्रंट में जो हेडलाइट देख रहे हो, इसमें एक जाली टाइप का लगता है, वो लगवाना है। और इसमें अभी स्पोक वाला जो है रिंग है, इसमें एलॉय लगवाना है। और लेग गार्ड अभी देखिए, जो शोरूम पे उस दिन मैंने जब बाइक लेकर आया था, उस दिन लेग गार्ड अवेलेबल नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा था कि दो दिन बाद आइएगा तो लेग गार्ड लगवा दूंगा। तो अभी लेग गार्ड भी इसमें लगवाना है। ये देखिए अभी खाली खाली लग रहा है। तो ये सब सारा काम जो है आज की इस ब्लॉग पे करना है, जाना है धनबाद। तो अभी सीनू मेरा बाइक निकाल दिया, जाओ अपना बाइक निकालो। सीनू अपना R15 से जाएगा, हम अपना बुलेट से जाएंगे और वहाँ पर जाकर के सारा जो कुछ भी है वो काम करवाएंगे। तो ब्लॉग पे यहीं है, आप लोग देखते रहिए। चलते हैं शोरूम पे, पहले लेग गार्ड लगवाते हैं, उसके बाद बाहर में कोई एक शॉप से जाकर के देखते हैं कौन सा शॉप अच्छा है वहाँ पर, और इसका जो है पूरा मॉडिफिकेशन करवाना है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग पे, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेने। चलिए आज की इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मेरे गाँव का मोड़ पे, मोड़ के पास। ये रहा सीनू राइडर। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हेमंत का, ठीक है। हेमंत भी हमारे साथ जाएगा, तो हेमंत अभी आ रहा है, उसको उठाना है यहाँ से, जलना है धनबाद। तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम पे, तो चलिए इसको लेके चलते हैं अंदर और लगवाते हैं इसका पहले लेग गार्ड। लेग गार्ड जो है शोरूम से फ्री में मिलेगा, उसको लगवा लेते हैं, फिर बाहर से कहीं इसका साइलेंसर लगवाना है। चलिए पहले लेग गार्ड लगवाते हैं। तो अभी सीनू इसको लेके जाएगा अंदर लेग गार्ड लगवाने के लिए। पूरा खाली लग रहा है वाला जगह। बाय चांस कभी गिर गया तो बता देता पैरा। तो अभी यहाँ पर काम चल रहा है, 15 मिनट हो चुका है। भाई अभी सेटिंग कर रहे हैं लेग गार्ड। और ये भैया बोल रहे हैं यहाँ पर खड़ा होना अलाउ नहीं है, आप लोग जाके बैठिए। तो गाइस फाइनली हमारा लेग गार्ड लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब चल रहे हैं एग्जॉस्ट लगवाने के लिए। एक सरदार जी का यहाँ पर दुकान है धनबाद बैंक मोड़ में, तो वहीं पर चलेंगे और उसका एग्जॉस्ट लगवाएंगे। बाकी और भी बहुत कुछ काम करवाना है, वो आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अभी देखिए लेग गार्ड लग गया है तो किस तरह का दिख रहा है। तो लेग गार्ड लग चुका है, अब लग रहा देखने में मस्त। का सीनो हरा भरा लग रहा है ना, खाली खाली दिख रहा था पहले। अब लाली भर गया। लाली प्रोटेक्शन हो गया। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं उस वाले दुकान पे जहाँ से एग्जॉस्ट लगवाना है, ठीक है। ये है वो दुकान, एक पंजाबी का है, बाकी ये लगवाने का हेल्प करेगा, ये एक फ्रेंड है मेरा। चलिए देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगवाते हैं, क्या नाम है और कैसा साउंड करता है। ये है शॉप। तो गाइज अभी सबसे पहले एलॉय भी लगवाना है, तो कुछ ये है डिजाइन, एक ये है डिजाइन, एक ये है। मुझे तो ज़्यादा परफेक्ट ये लग रहा है, देखते हैं अभी कौन सा लगवाते हैं। तो अभी अब निकल रहा है एलॉय, काला एलॉय बोल रहे हैं एग्जॉस्ट। अच्छा ये ब्लैक कलर में है जो काला। तो अभी मेरा बाइक लगेगा इस जगह पे, सीनू लगा रहा है ऊपर पे और काम होगा स्टार्ट। अभी तो लाली को सजाना है, लाली को लाल बना देंगे। हेलमेट पहन के दिखाओ। हेलमेट गिरा देता है, अरे हेलमेट गिरा देता है। हेलमेट का मतलब बोल रहे हैं चेंज करने के लिए, जो कंपनी दी अच्छा नहीं है। तो गाइस यहां पर काम स्टार्ट हो चुका है, एलॉय भी लग जाएगा और क्या क्या लगना है अभी देखिए, देखते रहिए वीडियो में देखने को मिलेगा। एलॉय और एग्जॉस्ट, उसके बाद और क्या क्या है ना, हेडलाइट का पूरा सेट, जो जाली वाली आता है। तो पूरा लाली को सजा देना है एकदम, और सजा के घर ले जाएंगे और बारात निकालना है। बारात बवाल दिखेगा नहीं। ये है हेडलाइट का जो सेट आता है, ये भी लगवाना है और ये एलॉय के साथ पूरा मैच कर रहा है। ये इंडिकेटर टेप, ये भी फिट हो जाएगा, फिर लगेगा दमदार झकास हाड़ू।
तो गाइस एक साइलेंसर यहाँ पर लग चुका है, लेकिन मैंने इसका साउंड सुना तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कोई दूसरा फिट करवा के फिर देखते हैं। ये टायर खुल चुका है, अभी एलॉय लगेगा, दोनों टायर में एलॉय फिट होगा। ये रहा अभी दूसरा साइलेंसर फिट होगा, अब ये देखते हैं कैसा साउंड करता है। लाली के टांग का ऑपरेशन चल रहा है, लाली का टांग का ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर अब हो रहा है हेडलाइट का काम, इसमें लग जाएगा जाली जैसा कि यहाँ लगा हुआ है सेम ऊपर में। उसके बाद आएगा लुक अलग सा तगड़ा, तब ओरिजिनल बुलेट बनेगा। तो गाइज यहाँ पर अभी फ्रंट वाले टायर पे अलॉय लग चुका है, और ये है सेकंड वाला टायर, इस पर भी फिटिंग हो चुका है। अब ये सिर्फ यहाँ पर लगना है, उसके बाद देखेंगे गाड़ी का क्या लुक आता है। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए वेट करते हैं, अभी भाई लोग काम कर रहा है। ऑपरेशन सक्सेसफुल, इसको लगने का वेट करते हैं, फिर आप लोग को फाइनल लुक दिखाते हैं कि कैसा है। तो अभी ये सेकंड टायर फिट होना स्टार्ट, ये लगने का वेट कर रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा सब थक भी चुका है ये लड़का लोग, तब से बैठ बैठ के वेट कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया? दो घंटा से ज़्यादा हो गया क्या? तो गाइस अभी दो घंटा से ज़्यादा हो चुका है, और अभी सेकंड टायर फिट हो रहा है, तो थोड़ा टाइम तो ये सब चीज़ पे लगता है, क्या कर सकते हैं। अब लाली को सजाना है तो थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा, क्या चंद देना पड़ेगा। खैर हम लोग अभी बीच में गए हुए थे इधर उधर, थोड़ा बहुत घूम रहे थे, एक जैसा नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा लग रहा है। गाड़ी घोड़ा सजाने में टाइम लगता है, गाड़ी घोड़ा को सजाने में टाइम तो लगता है, गाड़ी को भी घोड़ा को भी। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है कंप्लीट, एलॉय एलॉय सब कुछ लग करके। एक बार आप लोग को साउंड सुना देते हैं एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है। स्टार्ट करो बाइक, न्यूट्रल है ना, देखो न्यूट्रल। एक बार आप लोग को साउंड सुना देते हैं, अब गाइस आप लोगों से नेक्स्ट जो है कल सुबह मिलते हैं, अभी तो रात हो चुका है। सुबह एक बार पूरा बाइक का आप लोगों सिनेमेटिक शॉट दिखाते हैं कैसा लुक है, ठीक है, वो सुबह मिलते हैं, चलिए बाय। सो गाइस अभी सुबह हो चुका है, कल ही मैंने मॉडिफिकेशन करवा के आ गया था अपने बुलेट का, तो अभी चलिए कोई सिनेमेटिक शॉट आप लोगों को दिखाते हैं, देखते हैं बुलेट अब मेरा कैसा दिख रहा है। लाली को पूरा सजा चुके हैं अभी, तो चलिए देखते हैं। एंड गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जॉस्ट भी इसमें नया लगा है, जो साइलेंसर है ये हाफ यहाँ से पूरा चेंज हो चुका है, तो अब इसका साउंड भी थोड़ा मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि कैसा है। सो सीन स्टार्ट, स्टैंड उठा लो, विदाउट स्टैंड उठाए स्टार्ट नहीं होता। BS6 गाइज आप लोगों ने जैसा कि देखा साउंड थोड़ा ज़्यादा ही लाउड है ना। जब रोड से गाड़ी क्रॉस करता था सब हम ही को देखता है कि मनोज दे जा रहा है। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पूरा मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एलॉय व्हील्स लग गया है, ठीक है, बाकी जो फ्रंट में बैक में सारा कैप होता है ये सब सारा जो मॉडलिंग वाला होता है वो सारा लग चुका है, बाकी आगे भी देखेंगे जो कुछ होगा। अभी मनोज जी का लोगो लगना बाकी है, जो कि एक ब्लॉग और आने वाला है, अभी इसमें टैग नहीं लगा है मनोज जी का ना सीन। तो आई होप गाइस आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे भी इस तरह के वीडियोज मिलती रहेगी। चलिए आज की इस वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।